मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार पर एक हफ्ते से छाया संकट सरकार की कुर्सी छीन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फ्लोर टेस्ट के आदेश दिए थे, लेकिन इससे पहले ही कमलनाथ सरकार ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपकर हार स्वीकार कर ली और गेंद भाजपा की झोली में डाल दी। प्रदेश की अल्पत में आई कांग्रेस सरकार का पतन होते ही नाथ अनाथ हो गए और भाजपा में खुशी की लहर दौड़ गई। प्रदेश में अब भाजपा की सरकार बनने के संकेत मिलते ही पैलेस रोड स्थित भाजपा कार्यालय से डालू मोदी बाजार तक भाजपा ने जश्न मनाकर आतिशबाजी की और मुंह मीठा करवाया। हालांकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कोरोना वायरस के चलते जश्न नहीं मनाने, भीड़ नहीं करने की अपील की थी, लेकिन सत्ता से दूर हुए भाजपाइयों को फिर सत्ता मिलने पर यह अपील काम नहीं कर पाई। कोरोना वायरस से लोगों के बचाव के लिए अब सामाजिक संस्थाएं भी आगे आई है। रतलाम प्रेस क्लब ने अपने सदस्यों को मास्क एवं सैनिटाइजर वितरित किए हैं। स्थानीय प्रेस क्लब में मास्क और सैनिटाइजर वितरण की यह व्यवस्था आज प्रेस क्लब अध्यक्ष राजेश जैन के हाथों से शुरू हुई। इस मौके पर क्लब सचिव मुकेश गोस्वामी, राकेश पोरवाल, नरेंद्र अग्रवाल, इंगित गुप्ता, अदिति मिश्रा, मुबारक शेरानी, भुवनेश पंडित सहित क्लब के सदस्य उपस्थित थे। अध्यक्ष राजेश जैन ने बताया कि अभी हमने आज 100 से ऊपर का ही मास्क बांट रहे हैं और सैनिटाइजर इतने ही करीब सैनिटाइजर बांट रहे हैं। पूरे देश में, पूरे विश्व में कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए भारत में भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और पूरे प्रशासन ने जो एहतियात के बतौर यह मास्क और सैनिटाइजर जो बांट रहे हैं और इसमें पूरा सहयोग हम देते हुए रतलाम प्रेस क्लब ने भी अपने सदस्यों को आज मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए हैं। हम लगातार यह जारी रखेंगे और जितने भी सदस्य, जितने पत्रकार साथी हैं, सबको मास्क मिल जाए, सैनिटाइजर मिल जाए, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। लुप्त होती गोरैया चिड़िया को बचाने के लिए आज विश्व गोरैया दिवस पर निशुल्क मिट्टी के सकोरों का वितरण किया गया। मेरे आंगन में फिर फुदक रही गोरैया के संदेश को लेकर इंदो ऑर्गेनिक संस्था ने आज विश्व गोरैया दिवस पर गोरैया को बचाने के लिए एक प्रयास शुरू किया। इस प्रयास के तहत संस्था ने निशुल्क मिट्टी के सकोरों का वितरण किया। रोटरी गार्डन के सामने सुबह 7 बजे से 10:30 बजे तक आयोजित वितरण कार्यक्रम में करीब 350 सकोरे वितरित किए गए। सकोरे लेने के लिए बड़ी संख्या में नागरिक पहुंचे थे। वितरित सकोरे में दो प्रकार के थे, एक पानी का सकोरा था तो दूसरा अनाज का। संस्था द्वारा लुप्त होती गोरैया चिड़िया को बचाने के लिए की गई इस पहल का नागरिकों ने सराहा है। कोरोना वायरस के कहर से समूची व्यवस्था लड़खड़ा गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस जानलेवा वायरस से बचने के लिए 22 मार्च को जनता कर्फ्यू की अपील की है, जो सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक रहेगा। जनता कर्फ्यू में नागरिकों से अपने ही घर में रहने को कहा गया है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए शासकीय अमला रात दिन जुटा हुआ है। रात को नगर निगम फॉग मशीन से छिड़काव कर धुआं करवा रहा है। वहीं निगम प्रशासन ने फायर फाइटर से सार्वजनिक स्थानों की धुलाई करवाई गई है। वाहन, वृक्ष, सड़कों, सार्वजनिक शौचालयों की स्वच्छता की गई है। शहर में लगी महापुरुषों की प्रतिमाओं की भी सफाई की गई है। कोरोना वायरस को देखते हुए जेल प्रशासन ने 31 मार्च तक मुलाकात बंद कर दी है। रतलाम सेंट्रल जेल के मुख्य प्रवेश द्वार पर ही सूचना चस्पा कर गेट पर ताला लगा दिया गया है। इक्का दुक्का लोग ही यहाँ मिलने पहुँच रहे हैं, जिनकी मुलाकात नहीं हो पा रही है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए यह समय चैलेंजिंग वाला है। अकेला प्रशासन कुछ नहीं कर सकता, लोगों की मदद जरूरी है। इस मामले में सामाजिक संगठन आगे आए हैं। उक्त बात कलेक्टर रुचिका चौहान ने लायंस क्लब द्वारा न्यूनतम शुल्क पर सैनिटाइजर वितरण का शुभारंभ करते हुए कहा। आयोजन में लायंस क्लब द्वारा सबसे कम कीमत सिर्फ लागत मूल्य में सैनिटाइजर तथा साबुन का वितरण किया गया है। क्लब मास्क का वितरण भी करेगा। कंपलसरी करता है,
किया होता है अपने को, हमारे मंदिर में भी आदर होती है जूता खोलते हैं ना, तो सिर्फ हाथ पानी से धोते हैं, साबुन रखते रहते हैं, तो साबुन को कंपलसरी करा दीजिए। और दूसरा अपने उसमें मॉर्निंग में अजान वगैरह में भी ना अनाउंस भी करा दीजिए, ठीक है, अपने घर में भी बच्चे उसमें तो सब सुविधा है, आधा लीटर का भी है महामारी घोषित हो चुके कोरोना वायरस की रोकथाम और जागरूकता के लिए जहां सरकार और प्रशासन सचेत है, वहीं दूसरी तरफ रतलाम नगर निगम जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ही कर रहा है। कोरोना के प्रति जागरूकता रहने के लिए सफाई पर विशेष जोर दिया जा रहा है। ऐसे नाजुक समय में निगम की सफाई व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। वार्ड क्रमांक 11 डोंगरे नगर के रहवासी इन दिनों गंदगी के साथ ही प्रदूषित पेयजल वितरण से परेशान हैं। बताया जाता है कि विगत एक महीने से इस क्षेत्र में मटमैला पीला पानी सप्लाई किया जा रहा है, जो पानी पीने पर हर घर बीमारी ही परोस रहा है। एक हफ्ते से तो इस पानी की गुणवत्ता पर सवाल ही उठने लगे हैं। पानी गंदा होने के साथ ही अब बेस्वाद ही हो गया है। इस क्षेत्र में नियम विपरीत डाली गई पानी की लाइन के बाद से ही पानी की व्यवस्था को लकवा लगा है। गुजरात की कंपनी ने खुदाई कर पाइपलाइन तो डाल दी है, लेकिन टेंडर के शर्तों के मुताबिक अब तक पेच वर्क नहीं हुआ। पूरी सड़क पर नाली के आकार के गड्ढे हो गए हैं, जिसमें पानी भरने से यह मच्छरों की शरण स्थली बन गए है, जहाँ बीमारी के आदेश हर दिन नागरिकों को सताने लगे है। सफाई व्यवस्था पंगू होने से नालियां भी गंदगी से लबरेज है, जो निगम के स्वच्छता अभियान पर सवाल खड़ा करता है। क्षेत्रीय नागरिकों ने एन टाइम्स को बताया कि एक माह से डोंगरे नगर में गंदा पानी आ रहा है, दूषित पानी बहुत आ रहा है और कोरोना फैल रहा है और बहुत ही दूषित पानी आ रहा है, जो पीने जैसे योग्य पानी नहीं है। किस तरह का पानी है? गंदा मेला पानी आ रहा है, जैसे कीट का पानी आता है, मेला पानी आ रहा है। क्या शिकायत करी कि नहीं आपने? अभी शिकायत नहीं करी, अभी आपके माध्यम से मीडिया के माध्यम से ये सूचना पहुंचाना चाह रहे हैं कि शीघ्र दूषित पानी शुद्ध हो जाए। पानी में किस तरह की समस्या आ रही है सर? ये पानी में देखिए इतना पीलापन आ रहा है, और एक महीना हो गया आज लगभग, काफ़ी दिनों से पानी इतना पीलापन आ रहा है, इधर बीमारी फैल रही है कोरोना का, जहाँ सरकार एक तरफ दे रही है कि कोरोना से बचो, आप दो बार बार यहाँ पीने के लिए ही पानी इतना गंदा दे रहे हैं, तो कैसे कोरोना से बचा जाएगा? और आए दिन मतलब देखो यहाँ गंदगी और भी पसरी हुई है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पाइपलाइन डालने के लिए ये लाइन खोदी थी हमारे घर के, उससे पूरे गड्ढे भरे हुए हैं, जगह जगह पानी भरा हुआ है, निकल रही लग रही लोगों को, गिट्टियाँ उड़ रही है यहाँ पे, और किसी प्रकार के भी पानी इतना गंदा आ रहा है।